अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटोकैड 2015 में लेसन नंबर 7 के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेसन में देखेंगे हम के हाउ टू इंसर्ट लाइन इन डिफरेंट एंगल विद द हेल्प ऑफ कमांड। आप किसी भी कमांड के थ्रू लाइन को काफ़ी सारे एंगल्स में आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप लाइन का एंगल कैसे चेंज कर सकते हैं। किसी भी एंगल में अगर आपने लाइन इंसर्ट करनी है तो आप वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ये जो यूसीएस आइकन है इसको ओरिजिन पॉइंट में लेके जाता हूँ। यूसी एंटर एंड डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट। ओके, अब देखें जब मैं लाइन इंसर्ट करता हूँ, एल एंटर करता हूँ, करने के बाद जब मैं इसको मूव करता हूँ, देखें ये किसी न किसी एंगल में मूव भी हो रही है साथ में। आप देखें यहाँ पर तो आपको एंगल भी नज़र आ रहा होगा, ये 90 डिग्री है हमारे पास, 22, 24, 28 देखें, और लाइन की लेंथ भी बता रहा है यहाँ पे 4 फुट 10 इंच। आप देख सकते हो ऊपर जो लाइन के ऊपर है वो लेंथ उसकी दी हुई है, और साइड पे इसकी डिग्री, इसका एंगल भी दिया हुआ है, 36 डिग्री है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे और डिग्री भी चेंज हो जाएगी, मैं चाहता हूँ इसका एंगल जो चेंज हो लेकिन इसकी लेंथ चेंज हो, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे पास कि आप लेंथ पे इसकी, मैं फॉर एग्जाम्पल चाहता हूँ 6 फीट इसकी लेंथ हो और एंगल इसका 36 हो, तो देखिए बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते इसको। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ मेरा एंगल भी इसका जो है, तो एंगल और इसका जो एंगल है वो और लेंथ मैं अपनी मर्जी से दे सकूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पे एल एंटर करेंगे, लेंथ देता हूँ, और इसको आप सबसे पहले लेंथ देंगे। लेंथ में इसको देता हूँ जी 5 फीट लेंथ देता हूँ इसको मैं। लेस देन का साइन दें आप शिफ्ट को प्रेस करके, लेस देन एंगल जो है 45 का एंगल में देता हूँ इसको। एंटर करें तो ये 45 के एंगल में आपकी लाइन लग गई। एल एंटर करता हूँ मैं यहाँ से, तो ये अगर आप देखना चाहेंगे 45 के एंगल में है कि नहीं तो आप देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे करता हूँ कि डायमेंशंस की मैं चेंज करूँ, डायमेंशन के थ्रू मैं इसको देख सकता हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पे भी डायमेंशन, हाँ एंगुलर में डायमेंशन देता हूँ इसको। फर्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, सेकंड यहाँ पे करता हूँ, तो इसको मैं तो आपको बताता हूँ। देखिए 45 डिग्री पे मेरे पास, हाँ ये है, देख सकते हैं। ओके, ये कैसे आप अप्लाई करते हैं इसको मैं आपको बताता हूँ। ये काम आपने कैसे करना है जी, सबसे पहले आप देंगे लेंथ, एल एंटर करेंगे। एल एंटर करने के बाद आपने देंगे लेंथ, लेंथ देनी है फिट या इंचेस में आपकी मर्जी है, और उसके बाद लेस देन का एंगल डालना है और साइन डालने, मीन ये एंगल का ही होता है, और फिर आपने एंगल देना है कैसे। फॉर एग्जांपल लेंथ में देता हूँ इसको 5 फीट मैंने लेंथ दी, लेस देन का साइन डाला और मैंने एंगल दिया जिसको 45, और उसके बाद एंटर करते हैं तो आपकी ये एंगल में एंगुलर लाइन इंसर्ट हो जाएगी। लेस देन का साइन ये है, आप देख सकते हैं ये साइन है, शिफ्ट को प्रेस करके आप इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास लेस देन साइन इंसर्ट हो जाएगा शिफ्ट को प्रेस करके। ओके, तो ये था जी आपका एंगुलर लाइन, आप कैसे इंसर्ट करते हैं इसकी टेक्निक। एक और मैं लाइन इंसर्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एल इंटर करता हूँ यहाँ से, मैं कहता हूँ लाइन हो ये जी 5 फिट हो, सॉरी एट द रेट 5 फिट लाइन हो। मैंने शायद उसमें आपको जब बताया उसमें एट द रेट का साइन शायद नहीं डाला, लेकिन एट द रेट डालना है 5 फिट, और उसके बाद लेस देन का साइन डालना है, और मैं उसको करता हूँ -45। देखिए -45 आ गया। अगर इसको मैं ओनली 45 करता तो ये यहाँ से इस साइड पे मूव हो जाता, या फिर यहाँ से इस साइड पे मूव हो जाता,
तो मेरे -45 किया तो देखें यहाँ पे ये इस साइड पे मूव हो गया। अगर मैं यहाँ से एल एंटर करके मैं इसको यहीं से करता हूँ एट द रेट 5 फिट लेस देन, मैं इसको करता हूँ 45, एंटर करता हूँ, देखें वो इस लाइन के पैरेलल हमारे पास 45 में आ गया, देख सकते हैं। तो अगर माइनस आप करेंगे तो माइनस में ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके तो ये था जी आपकी टेक्निक थी, आप कैसे अपने जो है तो एंगुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर मैं देता हूँ एल इंटर एट द रेट 15 फिट की लाइन हो फॉर एग्जांपल, और एंगल बने जिसका 85 का, ये देखें ये 85 का एंगल है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो 90 का हो जाएगा, देखें 90 का एंगल देते हैं अगर आप, तो मैं यहाँ से देखिएगा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा ऊपर की तरफ। और मैं इसको देता हूँ जी एट द रेट 5 फिट, एंगल देता हूँ इसको 90 का, तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका एंगल लग गया, देख सकते हैं। अब इस पूरे के पूरे एरिया को अपने बिल्कुल जूम करना है, तो जूम करने के लिए जेड स्पेस ए स्पेस आप करेंगे तो ये आपके पास जूम एक्सटेंड हो जाएगा, जूम ऑल हो जाएगा। जेड स्पेस ए स्पेस करें तो देखिए बिल्कुल आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है। अगर जेड स्पेस ई स्पेस करते हैं तो जूम एक्सटेंड हो जाएगा, ये भी देख सकते हैं। तो ये आप जूम एक्सटेंड करने का भी तरीका आपने सीख लिया, और इसके अलावा एंगुलर लाइन आप कैसे ड्रॉ करते हैं इसकी भी टेक्निक्स आपको समझ आ गई होंगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस लेसन की बार बार प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, खुदा हाफिज़।